नमस्कार, मैं हूं रेखा पाल और आप देख रहे हैं वाइब्रेंट लाइव न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर परिवारवाद पर हमला बोला है। बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि अगर सांसदों के बच्चों को टिकट न देना पाप है तो मैंने यह पाप किया है। खबरों के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि अगर किसी के टिकट कटे हैं तो यह मेरी जिम्मेदारी है। पीएम मोदी ने सभी सांसदों से यह भी कहा कि वह इसका आकलन करें कि चुनावों में बीजेपी को कुछ सीटों का हार का सामना क्यों करना पड़ा। बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग में मोदी ने सांसदों से कहा, अगर विधानसभा चुनाव में आपके बच्चों के टिकट कटे हैं तो उसकी वजह मैं हूं। मेरा मानना है कि वंशवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। चार राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा की बंपर जीत के बाद दिल्ली में पार्टी संसदीय दल की मीटिंग हुई। पीएम ने कहा कि परिवारवाद से जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने बीजेपी सांसदों से कड़े लहजे में कहा कि पार्टी में पारिवारिक राजनीति की इजाजत नहीं दी जाएगी, दूसरी पार्टियों की वंशवाद की राजनीति के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। मीटिंग में मोदी ने द कश्मीर फाइल्स की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए, इनसे सच उजागर होता है। फिल्म में जो दिखाया गया है कश्मीर के उस सच को दबाने की कोशिश की जाती रही है। कैसे भूल सकता है देश, कभी कभी उसमें सच में तो सीखने को मिलता है। भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी। अब इसलिए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है, मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कुछ कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि फिल्म ठीक नहीं होगा अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है, लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं उन्होंने सत्य के। पीएम मोदी ने इस बैठक में यूक्रेन से भारतीयों को निकालने को लेकर भी कई बातें की। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश विदेश जुड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए वाइब्रेंट लाइव न्यूज। निर्भय सत्य, जनता की आवाज़।